श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार की है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, गुरु पूर्णिमा है और सोमवार का दिन है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से स्टार्ट होने वाले हैं सावन का पावन महीना। तो उसके एक दिन पहले है गुरु पूर्णिमा यानी सोमवार। सोमवार भी है और गुरु पूर्णिमा भी है। तो गुरु जी द्वारा बताया कोई विशेष उपाय है जो हम गुरु पूर्णिमा के दिन करके हमारे हर मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी को जरूर प्रणाम कीजिएगा कमेंट के द्वारा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, गुरु पूर्णिमा के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन और सोमवार भी है तो पूर्णिमा के दिन करने वाला यह विशेष उपाय, कोई भी मनोरथ हो, कोई भी मनोकामना हो, धन लक्ष्मी की कमी हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, अन्य बाधाएं आ जाती है, कई दोष लगे हुए हैं जिससे विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी के लिए कई फॉर्म डाल रखे हैं, कई एग्जाम भी दिए पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबरों से रह जाते हैं, या फिर रोगों से ग्रसित है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, घर में सुख शांति है नहीं है, घर में कलेश होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू की नहीं बनती है, पति पत्नी की नहीं बनती है, पति और पत्नी दोनों विवाद बना रहता है, तलाक तक बात पहुँच गई, यानी कोई भी आपकी समस्या हो, विवाह किस नहीं हो रहा है बच्चा या बच्चियों का, तो भी इन सारी समस्याओं के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन केवल एक उपाय आप करेंगे। इस उपाय को कर लेने से ही आपके हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। देखिए, इस उपाय को करने का एक समय है, वह समय है शाम को 4:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। जी हाँ, यानी कि प्रदोष काल के समय गुरु जी ने इस उपाय को करने का एक समय बताया है। वह समय है शाम के 4:30 से 6 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लोटा जल लेंगे। जी हाँ, क्या लेंगे, एक लोटा जल, और आपको डालना है उसमें 5 बेलपत्रियां। जी हाँ, 5 की 5 बेलपत्री आपको उसी कलश में घर पर ही डाल लेना है, पर ध्यान रखें पीछे का डूम तोड़े और फिर 5 बेलपत्री उस कलश में डाल लें। और आपको डाल देना है एक कमल गट्टा। कमल गट्टा कैसा होता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। एक कमल गट्टा अभी हमने इस कलश में डाल लिया है और इस कलश को लेकर प्रदोष काल के समय आपको जाना है आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ, और शिवालय पहुँच कर क्या करेंगे, उस जल को आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, पर आपको एक विशेष नाम लेना है महादेव का, वह नाम है चंद्रेश्वर महादेव। जी हाँ, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको जल समर्पित करना है, फिर 5 बेलपत्री समर्पित करना है और एक कमल गट्टा जो कलश में डाला हुआ है वह भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। आपकी जो भी दिल की मनोकामना है वह बाबा से आप बोल दीजिएगा। यह विशेष उपाय है पूर्णिमा के दिन करने का। गुरु पूर्णिमा है, साथ में सोमवार का दिन है, अवश्य कीजिएगा। कोई भी मनोकामना हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय भी सर्व कामना पूर्ति के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए, कोई भी दिल की बात है अगर आपकी जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो बहुत ही खास मौका मिला है क्योंकि सोमवार का दिन भी है और साथ में गुरु पूर्णिमा भी है। क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक चावल का दाना। जी हाँ, एक चावल का दाना, और आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, एक बेलपत्री और एक लोटा जल। अब आप जाएंगे शिवालय, और शिवालय पहुँच कर आपको सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है एक चावल का दाना। जी हाँ, शिवलिंग पहुँच कर एक चावल का दाना समर्पित कीजिए और उस चावल के दाने के ऊपर ही आपको चढ़ा देना है एक बेलपत्री। पर इस उपाय में जब आप बेलपत्री चढ़ाओगे ना तो ध्यान रखना डंडी का जो भाग होगा वह होगा अपनी तरफ। हमेशा हर उपाय में अपन क्या करते हैं, अपन जहाँ बैठते हैं अपने से विपरीत रखते हैं डंडी का भाग, पर इस उपाय में आपको करना है डंडी का भाग अपनी तरफ, पत्ती का भाग अपने से विपरीत रखना है। इस उपाय में यह खास बात है। फिर उसके बाद आपको एक लोटा जल धीरे 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 समर्पित करना है। जब जल समर्पित करोगे, जब आपको नाम लेना है चंद्रमौली महादेव का। जी हाँ, क्या नाम लेंगे,
चंद्रमौली महादेव का नाम लेंगे, जल समर्पित करेंगे। जल समर्पित करने के बाद अपने सीधे हाथ की उंगली से जल लीजिएगा शिवलिंग पे से, शिवलिंग पे से जल लीजिएगा और जल लेकर अपनी मनोकामना बोलकर उस जल को अपने दोनों नेत्रों पर, एक इधर और एक इधर, दोनों नेत्रों पर लगा लेना है। बस इतना सही उपाय। यह उपाय भी विशेष पूर्णिमा का ही है, सोमवार की पूर्णिमा है, जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय, शुरुआत करने से पहले कमेंट आ रहा था कि दीदी हम पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं क्या सावन सोमवार में? तो देखिए, गुरुजी पंडित जी ने क्लियर किया था कि सावन सोमवार जो महिलाएं रखती है, जो पुरुष रखते हैं, वह काफ़ी समय से अगर सावन सोमवार रखते आ रहे हैं तो ऐसे में फिर वह पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सावन सोमवार साल में एक ही बार पड़ता है। तो सावन सोमवार के आप व्रत रखिए, सावन सोमवार के व्रत पूरे हो जाए उसके बाद आप पशुपतिनाथ व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जो लोग सावन सोमवार के व्रत धारण नहीं करते हैं वह लोग पशुपतिनाथ व्रत शुरुआत कर सकते हैं, या जो लोग अधिक मास नहा रहे हैं वह भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक मास के व्रत रख रहे हो अगर आप तो पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकते हैं। तो गुरु जी ने कहा था कि जो व्रत आप काफ़ी लंबे समय से रखते आ रहे हो वो व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, पहले उन व्रतों को धारण कर ले फिर पशुपतिनाथ व्रत को कंटिन्यू करें। तो पशुपतिनाथ व्रत वह लोग रख सकते हैं जो लोग सावन सोमवार का व्रत धारण नहीं करते हैं, और हाँ, जो लोग सावन सोमवार का व्रत धारण करने का सोच रहे हैं तो इस बार तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस बार महादेव की कृपा से दो सावन पड़े, यानी इस बार टोटल हमें 8 सोमवार के व्रत मिलेंगे। और मंगला गौरी व्रत कुछ महिलाएं रखती होंगी तो मंगला गौरी व्रत इस बार 9 पड़ रहे हैं। तीसरा उपाय, देखिए अगर हम सोच रहे हैं कि इस सावन के महीने में हमारे सारे मनोरथ पूरे हो जाए तो ये सोमवार से आप इस उपाय को करना शुरुआत करो और आप देखेंगे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। मुझे लगता है कि इस बार पड़ रहे जैसे कि 8 सावन सोमवार, तो आपके 8 सोमवार का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ही आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तो यह विशेष उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई भी दिल की कामना है और हम चाह रहे बहुत ही जल्दी पूरी हो जाए तो आप इस उपाय को करना शुरुआत कर दो पूर्णिमा से ही। क्या करेंगे देखिए, आपको लेना है 5 बेलपत्री, जी हाँ, कितनी बेलपत्री, 5 बेलपत्री, और आपको लेना है 1 लोटा जल, जी हाँ, 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। अब क्या करोगे, 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आप जाएंगे शिवालय, और शिवालय पहुंचकर जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, सभी को पता चल चुका है। तो गणेश जी के स्थान पर आपको चढ़ा देना है 1 बेलपत्री, और वह बेलपत्री का जो डंडी का भाग होगा जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना। तो 1 बेलपत्री गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना, फिर 1 लोटा जल लेके गए, उसी जल को आपको शिवलिंग पे थोड़ा बेलपत्री के ऊपर थोड़ा सा समर्पित करना, बाकी जल बचा लेना, ठीक है। फिर दूसरी बेलपत्री आपको कार्तिक भगवान के स्थान पर समर्पित करना है, तो कार्तिक भगवान का स्थान भी वहीं रहता है जहाँ गणेश जी का स्थान रहता है ना, उसके ठीक अपोजिट ही कार्तिक भगवान का स्थान रहता है। तो दूसरी बेलपत्री आप वहाँ चढ़ा दीजिए, सेम वैसी चढ़ाने के बाद थोड़ा जल उस बेलपत्री के ऊपर चढ़ा दीजिए। तीसरी बेलपत्री आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग किधर करोगे, जहाँ से जल बहके जाता है उस दिशा में करना, और थोड़ा जल उस बेलपत्री के ऊपर भी चढ़ा दीजिएगा। चौथी बेलपत्री आपको माँ पार्वती का जहाँ हस्तकमल रहता है ना, वहाँ चढ़ाना है। पर आपको बैठना कहाँ है, तो जलाधारी का जो विपरीत स्थान हो, यानी जल यहाँ से बहके जाता है तो आपके ठीक ऑपोजिट बैठ जाना, चौथी बेलपत्री समर्पित करना, थोड़ा जल समर्पित करना, ठीक है। एक बेलपत्री आपके पास बची है, उस एक बेलपत्री को आपको फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग पर समर्पित कीजिए और थोड़ा थोड़ा जल करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आखिर में पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह उपाय आप लगातार सावन सोमवार के 5 सोमवार, 6 सोमवार करके देखिएगा और मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। यह विशेष उपाय है गुरु पूर्णिमा के दिन शुरुआत करना और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। कोई भी मनोकामना हो इस उपाय को आप कर सकते हो। चौथा उपाय, गुरु पूर्णिमा है और सोमवार का दिन है, ऐसे में गुरु जी द्वारा बताए गए यह उपाय अगर आप कर लेते हो तो फिर आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है।
दिल की कोई भी अभिलाषा हो, कोई भी मनोकामना हो, आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए क्या करना है, आपको लेना है 5 बेलपत्री, जी हाँ 5 बेलपत्री, 5 दुर्वा, 5 पुष्प। 5 पुष्प एक जैसे लेना, अलग अलग फूल नहीं लेंगे, एक जैसे फूल लेंगे। और 5 लोटे जल लेना पड़ेंगे, जी हाँ। अब 5 लोटे जल कैसे लेके जाओगे आप शिवालय, कोई बात नहीं, एक बॉटल भरो, छोटा सा कलश रख लो और मंदिर ले जाओ, ठीक है। और देखो सोमवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो सुबह नहीं कर पाओ तो शाम को कर लीजिएगा इस उपाय को। आप क्या करेंगे, मंदिर पहुँचेंगे, शिवालय पहुँच कर सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाएंगे 1 बेलपत्री, जी हाँ शिवलिंग पर चढ़ाएंगे 1 बेलपत्री। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत रखना। चढ़ाने के बाद गुरुजी ने कहा था 1 बेलपत्री चढ़ाइए, उसके बाद आपको चढ़ा देना है 1 दुर्वा उसी बेलपत्री के ऊपर। दुर्वा चढ़ा देंगे और उसी बेलपत्री के ऊपर आपको चढ़ा देना है 1 पुष्प। सब एक एक चढ़ाना, 1 बेलपत्री, 1 दुर्वा और 1 पुष्प। उसके बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। चढ़ाने के बाद वापस से आप क्या करोगे, फिर वापस से आपको दुर्वा बेलपत्री चढ़ाना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर फूल चढ़ाना है और वापस से फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। ऐसे आप 5 बार करोगे, एक ही बार में, एक ही समय में, एक ही जगह बैठकर आपको 5 बार करना है। बस इस उपाय को भी आप लगातार करना, 5 सोमवार, सावन सोमवार चलेगा, महादेव जाएंगे तो 1 और 2 सोमवार में ही आपके मनोरथ पूरे हो ही जाएंगे। पर ऐसा नहीं, मनोकामना पूरी हो जाएगी उसके बाद भी आपको 5 सोमवार कंटिन्यू इस उपाय को करना ही करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी शिकायत है आप लोगों से, मुझे शिकायत है आपसे, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लोगों तक शेयर नहीं कर रहे। अगर हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि दीदी अच्छे समझा नहीं रहे, तो मेरी कोई गलती हो रही है या मेरी कोई त्रुटि है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करूँगी ताकि आप लोगों को उपाय और अच्छे समझ में आने लग जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलबम का नारा है, महादेव एक सहारा है।